दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास है क्लासिक BS4 मॉडल जिसके अंदर है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जब हम सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं BS4 के अंदर, तो मैं एक बार ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी 10-12 किक मार लेते हैं और 10-12 किक में भी स्टार्ट नहीं हो पाती है। फिर लास्ट में क्या, हमें सेल्फ लेना पड़ता है और सेल्फ जब लेते हैं तो हमारी जो ये एम्पियर मीटर की सुई है माइनस में ज़्यादा रहती है। ठीक है, जब तक इंजन ठंडा रहता है। तो आपको इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि इसका RPM थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। RPM कहाँ से बढ़ाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, और RPM कितना रहना चाहिए। देखिए, अभी हमारी जो ये सुई है ये माइनस के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रहना चाहिए। देखिए, RPM बढ़ाना है तो इसको आपको क्लॉक वाइज घुमाना है। आपको सिर्फ इतना घुमाना है कि जो ये बीच में सुई है ये बिल्कुल बीचों बीच रहे, माइनस की साइड में रहेगी तो इसकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो RPM हमारा इतना रहना चाहिए। देखिए, अभी आप देखिए RPM बिल्कुल मीडियम है, यहाँ पर गाड़ी की स्टार्टिंग रहेगी तो आपकी बैटरी का इशू नहीं आएगा, बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी गाड़ी भी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट होगी। देखिए, अगर आपको मतलब इस टाइप का कोई इशू है आपकी गाड़ी में BS4 मॉडल के अंदर, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीके से आपको ठंडे में रखना है गाड़ी को, क्योंकि जितने भी ठंडे का टाइम रहता है, ठंडे के टाइम पे इंजन का जो ऑयल होता है नीचे की साइड में बैठ जाता है और इंजन बिल्कुल स्मूथली काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा RPM बढ़ा के रखिए और आप स्टार्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किक यूज़ करना, और सुबह के टाइम में हो सके तो गाड़ी चाबी ऑफ करके 7-8 या 10-12 किक मारें, जिससे गाड़ी आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट रहेगी। तो यही था छोटा सा अपडेट, मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडे के टाइम में हर कोई प्रॉब्लम फेस आउट कर रहा है स्टार्टिंग की। तो यही छोटा सा अपडेट था, मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।